हम लोग कागज़ के रुपए रोज़ उपयोग करते हैं, लेकिन हमें शायद ही पता हो कि सबसे पहले भारत में कागज़ के नोटों की शुरुआत कैसे हुई और उस समय रुपया कैसा होता था। आखिर क्या है कागज़ के रुपयों का इतिहास, तो इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में बने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रुपया शब्द संस्कृत के रुपेकम से बना है, जिसका अर्थ चांदी का सिक्का होता है। रुपया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सुल्तान शेरशाह सूरी ने भारत में अपने शासनकाल सन 1540 से 1545 के दौरान किया था। अपने 5 साल के शासन के दौरान सुल्तान शेरशाह सूरी ने चांदी का एक सिक्का जारी किया था, जिसका वजन 178 अनाज के दाने जो कि 11.53 ग्राम के बराबर होता था, जिसे रुपया भी कहा जाता था। उस समय तांबे का सिक्का जिसे दाम तथा सोने का सिक्का जिसे मोहर कहा जाता था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, वर्ष 1862 में महारानी विक्टोरिया के सम्मान में विक्टोरिया के चित्र वाले बैंक नोटों और सिक्कों की श्रृंखला जारी की गई थी। 19वीं सदी में जब दुनिया में सबसे सशक्त अर्थव्यवस्थाएं सोने पर आधारित थीं, तब चांदी से बने रुपए के मूल्य में भीषण गिरावट आई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका और विभिन्न यूरोपीय उपनिवेशों में विशाल मात्रा में चांदी के स्रोत मिलने के परिणाम स्वरूप चांदी का मूल्य सोने की अपेक्षा बहुत गिर गया था। अचानक इस गिरावट के बाद भारत की चांदी की मुद्रा से अब बाहर की दुनिया से अधिक खरीदी नहीं की जा सकती थी। इस घटना को रुपए की गिरावट के रूप में भी माना जाता है। दोस्तों, सन 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई और उसे भारत सरकार के नोटों को जारी करने का अधिकार दिया गया था। बैंक नोट से शुरू हुई थी कागजी इंडियन करेंसी। यह एक बैंक नोट एक वचन पत्र था जो कीमती धातु के सिक्के के बदले दिए जाते थे। सिक्के के बदले में बैंक द्वारा बैंक नोट शुरू किया गया। बैंक नोट एक शानदार तरीका था, इससे वजनी सिक्के की जगह बैंक नोटों से लेन देन में आसानी होने लगी। लोग बैंकों से सिक्के के बदले कागज के नोट लेकर लेन देन करने लगे। बैंक अपने नोट जारी करने के लिए फ्री थी, सरकार ने उस समय कोई कानून नहीं बनाया था। बैंक नोट एक परिवर्तनीय वचन पत्र था जिसे बैंक जारी करता था। इसकी शुरुआत फ्री बैंकिंग के युग में हुई। बैंक 18वीं सदी से लेकर 1861 तक वचन पत्र यानी प्रॉमिसरी नोट्स जारी करने के लिए स्वतंत्र थे। बैंकों के प्रॉमिसरी नोट के बाद 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। अगस्त 1940 में 1 रुपये के कागज़ के नोट की शुरुआत हुई, जो 1994 तक कागज के रूप में चलता रहा। कागज़ के नोट के लिए सारनाथ के चतुर्मुख सिंह वाले अशोक के शीर्ष स्तंभ को चुना गया था। इसने बैंक के नोटों पर छापे जा रहे जॉर्ज का स्थान लिया। इस प्रकार स्वतंत्र भारत में मुद्रित पहला बैंक नोट 1 रुपये का नोट था। वर्ष 1969 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 और 10 रुपये के नोट पर महात्मा गांधी जन्मशती स्मारक डिजाइन वाली श्रृंखला जारी की थी। और दिलचस्प की बात यह है कि चलती नाव का चित्र 10 रुपये के नोट पर 40 से भी अधिक वर्षों तक चलता रहा। अंततः 1996 में महात्मा गांधी श्रृंखला वाले कागज़ के नोट शुरू किए गए। हम हमेशा हमारे नोटों पर महात्मा गांधी की मुस्कुराती हुई तस्वीर देखते हैं, जो करेंसी नोट पर भी होती है। कुछ लोगों का कहना है कि महात्मा गांधी की यह तस्वीर उनके एक कार्टून का है, लेकिन यह सत्य नहीं है। वास्तव में यह तस्वीर 1946 में एक अज्ञात फोटोग्राफर ने ली थी और वहीं से इसे क्रॉप किया गया था और हर जगह इसे इस्तेमाल किया जाने लगा। महात्मा गांधी लॉर्ड फ्रेडरिक विलियम पेथिक लॉरिस के साथ खड़े थे। वह एक महान राजनेता थे और ग्रेट ब्रिटेन में महिला मताधिकार आंदोलन के भी नेता थे। यह तस्वीर भूतपूर्व वायसराय हाउस में वर्तमान के राष्ट्रपति भवन में खींची गई थी। इस तस्वीर का इस्तेमाल RBI द्वारा 1996 में महात्मा गांधी सीरीज के बैंक नोटों पर किया गया था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इससे पहले सन 1983 में 20 रुपए के नोट जारी किए गए थे, जिसके पीछे की तरफ बौद्ध चक्र बना हुआ था। सन 1996 में 10 रुपए के नोट जारी किए गए थे, इसमें सामने की तरफ गांधी जी की तस्वीर और पीछे की तरफ भारत के जीवों की तस्वीर थी, जो यहाँ की जैव विविधता का प्रतिनिधित्व करता है।
सन 1996 में 100 रुपए का नोट जारी किया गया। इसमें सामने की तरफ महात्मा गांधी और पीछे की तरफ हिमालय पर्वत श्रृंखला की तस्वीर थी। मार्च 1997 में 50 रुपए का नोट जारी किया गया, जिसमें सामने की तरफ महात्मा गांधी और पीछे की तरफ भारत के संसद की तस्वीर थी। अगस्त 2001 में 20 रुपए का नोट फिर से जारी किया गया, इसमें सामने की तरफ गांधी जी की तस्वीर थी और पीछे की तरफ पोर्ट ब्लेयर के मेगा पोर्ट रिसॉर्ट से दिखाई देने वाला माउंट हैरियट के खजूर के पेड़ और पोर्ट ब्लेयर लाइट हाउस की तस्वीर थी। नवंबर 2001 में 5 रुपए के नोट, जिसमें सामने महात्मा गांधी जी की तस्वीर और पीछे की तरफ मशीनीकृत खेती प्रक्रिया यानी कृषि के माध्यम से प्रकृति दिखाई देती हुई तस्वीर जारी की गई थी। दोस्तों, सन 2010 में एक नया रुपया चिन्ह आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था, जिसे डॉक्टर उदय कुमार ने डिजाइन किया था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।